सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग एग्रीकल्चर पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। आज जो हम हल कराने जा रहे हैं पीजीटी का, 2006 में जो परीक्षा हुई थी पीजीटी की, 125 क्वेश्चन, उसको आज हम सॉल्व कराएंगे। इसमें कुल 425 नंबर का होता है। तो देखते हैं 2006 में जो परीक्षा हुई थी पीजीटी की, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। 2006 की जो परीक्षा हुई थी उसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाध्य रसायन है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा एक बाध्य रसायन है। पहला ऑप्शन है फ्यूराडॉन, दूसरा है सेरेडान, तीसरा है फ्यूरा डेंट्रिन, चौथा ऑप्शन था नियोन। तो इसका करेक्ट आंसर था फ्यूरा डेंटिन। ठीक है, यह एक बाध्य रसायन था। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो पर। क्वेश्चन नंबर दो पूछा था किस बग में भोजन और लार नलिका बनती है। ठीक है, आपको बताना है कौन से बग, या बग यानी कि कीट होते हैं जिसमें भोजन और लार नलिका बनती है। ठीक है, आपको बताना। पहला है मेंडिबल से, दूसरा है मैक्सिलिसी, रोस्ट्रम से, मेंडिबिल और मैक्सिली दोनों से। ये पार्ट है उसके, ठीक है, कीट के। तो इसमें से बताना है भोजन और लार कौन सी नलिका में बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मेंडिबल और मैक्सिली, यानी कि दोनों से। डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पर। क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है कि थ्रिप्स किस गण में आते हैं। ठीक है, आपको बताना है थ्रिप्स जो है इनकी कौन से आर्डर बताना है। थायूरा, थाइजे नप्टेरा, स्ट्रेप्टीटेरा, प्लीकोप्टेरा। ठीक है, इन चारों में से बताइए कि थ्रिप्स जो होते हैं कौन से आर्डर में आते हैं। ठीक है, तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थाइजे नप्टेरा में। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार पर। क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। कोलकाता में, मुंबई में, हापुड़ में या लखनऊ में। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मुंबई के अंदर। इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जिसको IGSRI के नाम से जाना जाता है, तो ये मुंबई में हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच पर। क्वेश्चन नंबर पाँच कह रहा है कि किसके अगले जोड़े पंख का पंख और एलिट्रा कहलाते हैं। आर्थोप्टेरा, हेमिप्टेरा, कोलियोप्टेरा और आइसोप्टेरा। इन चारों में से बताइए पांचवें का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके अगले जोड़े पंख और एलिट्रा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हेमिप्टेरा, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर छः पर। क्वेश्चन नंबर छः कह रहा खोदने वाली टांगें पाई जाती हैं मोल क्रिकेट में, हाउस क्रिकेट में, डंग बीटल में, सौ बक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि हाउस क्रिकेट में खोदने वाली टांगें पाई जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सात पर। क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है मृदा बनावट में मृदा ठोस भाग पाया जाता है 20%, 30%, 40% या 50%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मृदा बनावट में ठोस भाग पाया जाता है कितना परसेंट, 50%। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ कह रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन CaSl2, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट 2H2O या कैल्शियम मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला, सी वाला कैल्शियम सल्फेट दो अणु जल जल के। तो ये हो जाएगा जिप्सम का सूत्र। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नौ पर। क्वेश्चन नंबर नौ कह रहा है जलोढ़ मृदाएं होती हैं स्तरीय मृदाएं, अंतरस्तरीय मृदाएं, स्तरीय मृदाएं या इनमें से कोई नहीं। तो जलोढ़ जो मृदाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, स्तरीय मृदाएं होती हैं। ठीक है, जोनल मृदाएं होती हैं, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 10 करें, मृदा जिनमें 35% बालू, 45% सिल्ट और 20% कले हो, तो वह मृदा कौन सी कहलाती है? बलुई मृदा, दोमट मृदा, बलुई कले दोमट मृदा या बलुई कले मृदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि दो नंबर, यानी कि दोमट मृदा कहलाती है, जिसमें 35% बालू, 45% सिल्ट और 20% कले हो। ऐसी मृदाओं को दोमट मृदा कहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 करें, मृदा जिसका पीएच मान 8.5 से अधिक हो तो उसे कहते हैं अम्लीय मृदा, लवणीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा या क्षारीय मृदा। तो ऐसी मृदाओं को क्या कहते हैं? लवणीय और क्षारीय मृदा। ठीक है, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 करें, 2:1 ट्राईफार्मिक फैलने वाले सिलिकेट क्लेज की धन आयन बिनिमय क्षमता होती है 5 से 10 MEQ बटे 100 ग्राम या 80 से 120, 20 से 40 या 2 से 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 20 से 40 MEQ बटे 100 ग्राम में से। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा, जोड़े में बोए जाने वाले गेहूं के लिए उपयुक्त मृदा तापक्रम होता है 5 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 15 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 करा है, मृदा जिसमें उपलब्ध P2O5 की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम हो तो उसे रखते हैं निम्न श्रेणी में, मध्यम श्रेणी में, उच्च श्रेणी में या अति उच्च श्रेणी में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे निम्न श्रेणी में रखा जाता है यानी कि लो में रखा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, मादा मैंगो हॉपर अपने अंडे कहाँ देती है? पत्ती के ऊपरी सतह पर, पत्ती के निचली सतह पर, पत्ती के मध्य सिरा के अंदर या पत्ती के किनारे के ऊतकों के अंदर। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मादा मैंगो हॉपर जो मैंगो को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचाती है, ये अपने अंडे जो होती है पत्ती के निचली सतह पर देती है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिगरेट बीटल है? ठीक है, कैंड्रा कोटेल्ला, ट्रोकोडर्मा, लेसियोडर्मा या बायोडर्मा। इन चारों में से बताइए कौन सा एक सिगरेट बीटल है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट वाला, कैंड्रा कोटेल्ला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, एपेरिकेनिया और मिलेना ल्यूका एक परजीवी है, मकड़ी, दीमक, पायरीला या कॉकरेज। इन चारों में से बताइए एपेरिकेनिया और मिलेना ल्यूका जो होता है एक परजीवी है कौन सा, मकड़ी है, दीमक है, पायरीला है या कॉकरेज है। 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि यह एक पायरीला है। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 करा, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में या लखनऊ में, जिसको NPPTI कहा जाता है। ठीक है, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि दो, हैदराबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धान में रजत प्रारोह बनता है सफ़ेद मक्खी से, गाल मक्खी से, तना छेदक से या ग्रास हॉपर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गाल मक्खी से। ठीक है, बी वाला ऑप्शन, गाल फ्लाई से बनता है रजत प्रारोह, जिसको सिल्वर सूट के नाम से जाना जाता है धान में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थेनियम भक्षक है? ट्राइकोडर्मा ग्रीनेरियम, ट्राइकोग्रामा माइक्यूटम, जाइगोग्रामा बाइक्लेरेटा और डी वाला ऑप्शन है सिया रीड फ्लाई। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा एक पार्थेनियम भक्षक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सिया रीड फ्लाई, डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा, फोरेट की क्रियाविधि क्या है? स्पर्शी है, यानी कि स्पर्श होने से ही मर जाता है कीट जो होता है, ध्रुमक है, ठीक है, सर्वांगी है या स्पर्शी और ध्रुमक दोनों है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सर्वांगी है। ठीक है,
ये किस प्रकार का रासायनिक है, रसायन है, ये सर्वांगी है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, मधुमक्खी में किस प्रकार की श्रृंगिकाएँ पाई जाती हैं? ठीक है, अरिस्टेट पाई जाती हैं, जेनिकुलेट पाई जाती हैं, सिरेट पाई जाते हैं, या लेमिलेट पाई जाती हैं। तो मधुमक्खी में जो श्रृंगिकाएँ पाई जाती हैं, ठीक है, वो किस प्रकार की पाई जाती हैं? जेनिकुलेट पाई जाती हैं, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, क्राइसेलिस प्यूपा है किसका है बताना है? बीटल्स का, मधुमक्खी का, मच्छर का, या तितली का? इन चारों में से बताइए कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्राइसेलिक एक प्रकार का प्यूपा किसका है? बीटल्स का है, यानी ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से बैगन का प्रारोह फल भेदक है, यानी कि आपको बताना है ब्रिंजल का शूट और फ्रूट बोरर। ठीक है, पहला ऑप्शन है सीडोप्टेरा लिटुरा, रेफिडो पेला, फोलिकोलिस ल्यूसिनो डोलस, आर्बोनेलिस एनोमेला स्पीसीज। इन चारों में से बताइए कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ल्यूसिनोडस आर्बोनेलिस। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, स्लिपरी बेड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फ्रूट फ्लाई के लिए, हेयरी कैटरपिलर के लिए, मैंगो स्टेम बोरर के लिए, या मैंगो मिलीबग के लिए? ठीक है, आपको बताना है स्लिपरी बेड का प्रयोग किस में किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैंगो मिलीबग के लिए स्लिपरी बेड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। आपको बताना 26 नंबर क्वेश्चन, मैंगोट्स के मुखांग किस तरह के होते हैं? बाइटिंग और चोइंग, चुभने वाले और चूसने वाले, या साइफनाकार, या स्पॉन्जिक। ठीक है, तो इसके मुखांग होते हैं, यानी कि स्पॉन्जिक टाइप के मुखांग होते हैं, डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पेल्पिजार का आधारीय भाग है मैंडिबल का, मैक्सिली लैम्प का, या लेबियल लैम्प का, या लेब्रम का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का, यानी कि दो नंबर, मैक्सिलरी पेल्प का। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मृदा सुधारक है अमोनियम सल्फेट है, जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, या DAP है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का, यानी कि जिप्सम, ये मृदा सुधार के रूप में प्रयोग में लेते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था कि 17वां आवश्यक पादप पोषक तत्व कौन सा है? निकिल है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या सल्फर है? इन चारों में से बताइए कौन सा 17वां आवश्यक पादप पोषक तत्व पूछा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17वां जो पादप पोषक तत्व है 29 का, यानी कि ये हो जाएगा सी वाला, ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पर पादप पोषक तत्व नहीं पूछा है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकिल, यानी कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ब्रोमीन नहीं होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, मृदा में जीवाश्म पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए जीवाश्म कार्बन की मात्रा को किस गुणांक से गुणा करते हैं? ठीक है, 1.924, 1.724, या 1.84, या 1.524? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि किससे गुणा करेंगे? 1.724 से गुणा करेंगे, बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न पदार्थ फार्मेल्डिहाइड एवं नत्रजन, शर्करा और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और खाद्य पदार्थ? तो 31 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि शर्करा और ऑक्सीजन, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, फूल गोभी में व्हिपटेल रोग किसकी कमी से होता है? ठीक है, मॉलिब्लेडेनम, फेरस, क्लोरीन, या निकिल? इन चारों में से बताइए फूलगोभी में किसकी कमी से व्हिपटेल रोग हो जाता है। तो
32 का ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर, यानी कि एम ओ मॉलिब्लेडनम की कमी से विप्टेल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है पादप जड़ों की वृद्धि में कौन सा पादप पोषक तत्व सहायक होता है, फास्फोरस, नत्रजन, लोहा या पोटास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फास्फोरस, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है मृदा विलयन के किस पीएच पर H2PO4 एवं HPO4 की मात्रा समान होती है, 8.4, 6.4, 7.0 या 5.2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 7.0 पर, सी वाला अपना ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर कह रहा क्वेश्चन मशरूम संबंधित है विषाणु से, बैक्टीरिया से, फफूंद से या शैवाल से। तो आप लोग जानते ही हैं मशरूम किससे संबंधित है, ये फंगस से संबंधित है, यानी कि फंगी से फंगस कह सकते हैं, फफूंद कह सकते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है पोटेशियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है, ठीक है। आपको बताना है पोटेशियम सल्फेट में गंधक की मात्रा कितनी पाई जाती है, 36%, 6%, 18% या 24%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट में गंधक की मात्रा 18% पाई जाती है। C4 पौधा है गेहूँ, मक्का, धान या अरहर। 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि C4 प्लांट कौन सा है इसमें से। तो इसमें से C4 प्लांट जो हो जाएगा यानी कि मक्का, मक्का एक C4 प्लांट है, बाकी गेहूं, धान और अरहर ये सब C4 प्लांट नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य वाली फसलों की फास्फेट उर्वरक उपयोग क्षमता होती है लगभग कितनी, 20%, 30%, 40% या 50%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 20%, ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 के निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इस तीन ऑप्शन एकदम सही है, बाकी एक सुमेलित नहीं। एक तरफ दिया है फसल, दूसरी तरफ दिया है हर्बिसाइड, ठीक है, जिसको खरपतवार नाशी कहते हैं। और कौन सी फसल में किसका प्रयोग करेंगे ये आपको बताना है। गन्ना में एल्ट्राजिन का प्रयोग करते हैं, जी एकदम सही है। गेहूँ में सल्फोसल्फ्यूरॉन का प्रयोग करते हैं, एकदम सही है। चना में सीमाजिन का प्रयोग करते हैं, ये गलत है, ठीक है। आलू में मिल्ट्री क्यूजीन का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट गलत आंसर है यानी कि ये हो जाएगा चना में सीमाजिन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। 39 का यानी कि सी वाला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 कराने में लिखने से सही युग्मक सुमकेलित नहीं है, यहाँ पर सुमकेलित नहीं है, तीन सही होंगे एक गलत है, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। एक तरफ फसल पद्धतियाँ दिया है, क्रॉपिंग सिस्टम दिया है, दूसरी तरफ उसका अवधि दिया है, समय दिया है, ठीक है, पीरियड्स दिया है कितने वर्ष का होता है। जैसे पहले हम ले लिए चरी, बरसीम, मक्का प्लस लोबिया, इन लोबिया चारे वाली फसलें लेना है, ठीक है, ये क्या दो वर्ष की होती हैं। उसके बाद दूसरा है धान और गेहूं, एक वर्ष का होता है। मक्का, आलू, मूंग एक वर्ष का होता है। धान, गेहूं, सूरजमुखी एक वर्ष का होता है। तो इसका ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो इसका जो रॉन्ग आंसर है यानी कि ए वाला एकदम गलत है, ठीक है, ये दो वर्ष का नहीं होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है उत्तर प्रदेश में सिंचित परितंत्र में सामान्य दशा में बोई गई चने की फसल पककर तैयार होती है 150 155 दिन में, 135 से 140 दिन में, 120 से 125 दिन में, 115 से लेके 120 दिन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 150 से लेके 155 दिन में पककर तैयार हो जाती है उत्तर प्रदेश में सामान्य दशा में चने की फसल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है फार्म प्लानिंग सहयोगी होता है योजना बनाने वाले के लिए, कृषि मजदूरों के लिए, कृषकों के लिए या शोधकर्ताओं के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कृषि मजदूरों के लिए, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने में कार्यशील जीवाणु है, आपको बताना है कौन सा कार्यशील जीवाणु है वर्मी कंपोस्ट में, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस, फफूंद या केचुआ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जानते ही हैं कि वर्मी कंपोस्ट किससे बनाई जाती है, केचुआ से बनाई जाती है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है मूंगफली की खली में औसतन पाया जाता है
आपको बताना है नत्रजन की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है। 7.3% नत्रजन, 10.5%, 12.4%, 4.2%। तो मूंगफली की खली में 7.3% नत्रजन पाई जाती है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है यूरिया में नत्रजन पाई जाती है अमोनिया के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, एमाइड के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यूरिया में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो एमाइड के रूप में पाई जाती है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि डीनाइट्रिफिकेशन का अंतिम उत्पाद क्या है, NO2, N2O, N2 या NO2 प्लस N2, ठीक है। तो डीनाइट्रिफिकेशन का अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि N2, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। पोटेशियम क्लोराइड में पोटास की मात्रा होती है 35%, 45%, 50% या 60%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पोटेशियम क्लोराइड में पोटास की मात्रा होती है 60%, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है नाइट्रोजन उर्वरक अच्छी अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं जब उनका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है पूर्ण मात्रा में बुआई के समय मृदा में मिलाने पर, दूसरा है पूर्ण मात्रा में दो भागों में देने पर, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण मात्रा में तीन भागों में देने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला, पूर्ण मात्रा में तीन बार देने से, ठीक है, सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रेंट है NPK, PKZN, के कैल्शियम सल्फर और फेरस मैग्नीशियम कॉपर, इन चारों में से बताइए प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रेंट कौन सा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जानते ही हैं कि NPK जो होता है प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रेंट होता है, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फर और कैल्शियम ये सेकेंडरी होते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि पोटेशियम की कमी दिखाई देती है तने पर, पत्तियों के बीच की सिरा पर, पत्तियों के किनारे पर, या वर्धन सिरा पर, ठीक है, इन चारों में से बताइए पोटेशियम की कमी कहाँ पर दिखाई देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पत्तियों के बीच की सिरा पर, बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि गंधक से अच्छी अनुक्रिया प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है आलू की फसल में, दूसरा है तिलहनी फसलों में, तीसरा ऑप्शन है अनाज वाली फसलों में, चौथा ऑप्शन है चारे वाली फसलों में। तो इन चारों में से बताइए गंधक से अच्छी अनुक्रिया प्राप्त होती है कौन से फसल के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गंधक के बारे में जानते हैं, तिलहनी वाली फसलें जितनी होती हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा काम करती हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं नई बढ़वार पर, पुरानी बढ़वार पर, तनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नई बढ़वार पर, ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा हवा और पानी द्वारा मृदा के एक स्थान से टूटने और दूसरे स्थान पर पहुंचने को क्या कहते हैं, मृदा निर्माण कहते हैं, ऋतु क्षरण कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि शुष्क यानी कि एरिड और अर्ध शुष्क सेमी एरिड क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं जल अपरदन के लिए, वायु अपरदन के लिए, जल और वायु अपरदन दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जल और वायु अपरदन दोनों के लिए, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है बीज रहित फल बनने को क्या कहते हैं, हार्कोगेमी कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, या फॉर्मोजेनेसिस कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें सीड नहीं बनते हैं, ऐसे जैसे मैंगो हो गया, मैंगो में कुछ सीडलेस वेराइटी आती है जैसे सिंधु हो गया, ठीक है, और कुछ जैसे इसमें अंगूर की वेराइटी सीडलेस आती हैं, और ये क्या नाम है केला की सीडलेस होता है। तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहा जाता है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है, पहला ऑप्शन है CaO CaMg CaOH2 या कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम और कार्बोनेट। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, डोलोमाइट का सूत्र होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवी मृदा में नाइट्रिफिकेशन करता है, स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस, थायोबेसिलस या नाइट्रोसोमोनास। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सूक्ष्म जीवी जो मृदा में नाइट्रिफिकेशन करता है वो नाइट्रोसोमोनास होता है, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है गेहूँ एक है C3 प्लांट, C4 प्लांट या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गेहूँ एक C3 प्लांट है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है, गन्ना, मूंगफली, मसूर या मक्का। तो इसमें से बताना है कौन सी फसल ऐसी है जो सभी ऋतुओं में बो सकते हैं। तो मक्का को सभी ऋतुओं में बो सकते हैं, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा फूल गोभी में ब्राउनिंग का निदान किया जा सकता है अमोनियम मोलिब्डेनम के प्रयोग से, जिंक सल्फेट के प्रयोग से, बोरिक अम्ल का प्रयोग से या यूरिया के प्रयोग से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बोरिक अम्ल के प्रयोग से फूलगोभी में ब्राउनिंग से निदान पा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के लिए अनावश्यक किंतु लाभकारी तत्व है, कैल्शियम, सोडियम, पोटास, मैग्नीशियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सोडियम। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस शाखा की मृदा की उत्पत्ति वर्गीकरण तथा वर्णन से है, को क्या कहते हैं, एडेफोलॉजी, इकोलॉजी, पेडोलॉजी या जियोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पेडोलॉजी कहा जाता है, जिसका उत्पत्ति और वर्गीकरण का वर्णन किया जाता है या अध्ययन किया जाता है, ऐसी को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों के आदर्श प्रारूप की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी, CM डोनाल्ड द्वारा, JE इंस्टन द्वारा या मेयर द्वारा या M.S. स्वामीनाथन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मेयर द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंडरसन और मेयर्स द्वारा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है भारत में सबसे जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 10 है, 15 है, 12 है, 6 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सबसे जलवायु क्षेत्रों की संख्या 15 है। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम प्रारंभ हुआ था 1963 में, 64 में, 1967 में या 1970 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1964 में शुरुआत की गई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि बकरी की विदेशी नस्ल है, सूरती है, बीटल है, अंगोरा है या जमुनापारी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा या अंगोरा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। सेमिनल वेसिकल्स, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है सेमिनल वेसिकल्स की अनुपस्थिति रहती है चूहे में, कुत्ते में, सांड में या सुअर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कुत्ते में सेमिनल वेसिकल्स की अनुपस्थिति रहती है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग पशु से मानव में और मनुष्य से पशु में संचारित होता है, सूकर ज्वर, पोकनी, गला घोटू या लेप्टोस्पायरोसिस। ठीक है, तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लेप्टोस्पायरो
सीसिस जो होता है, ये डी वाला, ये पशु से मनुष्य में और मनुष्य से पशु में रोग संचारित होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि सामान्यतः दुग्ध कैन, ठीक है, मिल्क कैंस जिसको कहते हैं, का निर्माण किया जाता है क्रोमियम में तथा उसकी मिश्रित धातु से, दूसरा है एल्यूमिनियम और उसकी मिश्रित धातु से, तीसरा है लोहा तथा उसकी मिश्रित धातु से, चौथा ऑप्शन है निकिल तथा उसकी मिश्रित धातु से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि एल्यूमिनियम और उसकी मिश्रित धातु से दुग्ध कैन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जो मार्केट में दुग्ध डेयरी संस्थानों पर रखे जाते हैं, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूध को ले जाते हैं, जो कैन होता है वो एल्यूमिनियम और मिश्रित धातु का बना होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि गाय के कृत्रिम गर्भाधान के लिए अनुमोदित तरल वीर्य की मात्रा होती है 0.2 ml, 0.8 ml, 1.5 ml, 2.0 ml। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2.0 ml, डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है NDDB कहाँ स्थित है, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, करनाल में, आनंद में या इज्जत नगर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड वाला आनंद में स्थित है, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आनंद कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि चीज के जामन में पाए जाते हैं, जो चीज होती है जिसको पनीर कहते हैं, के जामन में पाए जाते हैं, पहला ऑप्शन है केवल लैक्टिक अम्ल पैदा करने वाले जीवाणु, दूसरा है लैक्टिक अम्ल तथा सुवास पैदा करने वाले दोनों जीवाणु, तीसरा है केवल सुवास पैदा करने वाले जीवाणु, चौथा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल पैदा करने वाले जीवाणु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि दो वाला, लैक्टिक अम्ल और सुवास पैदा करने वाले यानी कि खुशबू उत्पन्न करने वाले और लैक्टिक अम्ल, ये दोनों उत्पन्न, दोनों ही जीवाणु उसके अंदर पाए जाते हैं, चीज के अंदर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि आउटब्रीडिंग समागम है दो विभिन्न नस्लों का, दो विभिन्न नस्लों के असंबंधित पशुओं का, तीसरा एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का, चौथा ऑप्शन है एक ही नस्ल के दो संबंधित पशुओं का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है खाद्य पदार्थों में यूरिया का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, उच्च ऊर्जा दाना में, निम्न ऊर्जा चारा में, या असली प्रोटीन के स्रोत में, या नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी डी वाला, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि स्वच्छ दूध उत्पादन हेतु किस प्रकार के दुहाई बर्तन प्रयोग में सर्वोत्तम होता है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, डोम्ड बकेन, साधारण टिन की बाल्टी या प्लास्टिक की बाल्टी। तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोम्ड बकेन जो होते हैं, इस प्रकार के बर्तन जो होते हैं, सबसे अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए जो दोनों के लिए प्रयोग में लेते हैं, बाल्टी या कह सकते हैं डोम्ड बकेन का प्रयोग किया जाता है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है आयन से प्राप्त दूध के किस भाग में जीवाणु की संख्या सबसे अधिक होती है, अग्रिम दूध से, मध्य दूध से, चुटकी दूध से या गुप्त अवस्था में। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला, चुटकी विधि में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जीवाणु की संख्या सबसे अधिक होती है, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि गाय में आदर्श शुष्क काल होता है 30 दिन का, 40 दिन का, 60 दिन का या 80 दिन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 60 दिन का होता है, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है ऑपरेशन फ्लड योजना संबंधित है किससे, कुक्कुट विकास से, डेयरी विकास से, भूमि संरक्षण से या बाढ़ नियंत्रण से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 78 का, डेयरी विकास से। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है बाड़े की धूल भरी हवा दूध में किस प्रकार का प्रमुख प्रदूषण ला सकती है, कोलीफार्म जीवाणु प्रदूषण,
परजीवी प्रदूषण, खाद्य विषाक्तता प्रदूषण या बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु प्रदूषण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु प्रदूषण, ठीक है, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि योगहार्ट का निर्माण किस जीवाणु की शुद्ध कल्चर के प्रयोग से किया जाता है, लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकाई लैक्टोबैसिलस, और तीसरा है कोराइनी बैक्टीरियम या कॉक्सिला। इन चारों में से बताइए किसके द्वारा योगहार्ट का निर्माण किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकाई और लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये दोनों प्रकार के जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 करा, थनेला दूध की पहचान करने हेतु परीक्षण किया जाता है, EMBR टेस्ट, COB टेस्ट या स्ट्रिप कप टेस्ट या अल्कोहल टेस्ट। तो इसके थनेला रोग की पहचान करने के लिए स्ट्रिप कप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है, भारतीय भैंसें निम्नलिखित में से किस समूह में आती हैं, ठीक है, बॉस काफर में, बॉस डिप्टोक्राइन में, बॉस मीडो रेनेसिस में या बॉस बोलवेलिस में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बॉस बोलवेलिस में भारतीय भैंसें जो होती हैं ये समूह में आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है, जब शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं का प्रजनन कराया जाता है तो उसे कहा जाता है क्रॉस ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, बैक क्रॉसिंग या टॉप क्रॉसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि आउट ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि वे कारक जो पशुओं को दोषयुक्त चरित्र पैदा करके उनको मार डालते हैं कहलाते हैं, लीथर फैक्टर, लीथर एक्शन या हेट्रोजाइगस कंडीशन या होमोजाइगस कंडीशन। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वे कारक जो पशुओं को दोषयुक्त चरित्र पैदा करके उनको मार डालते हैं उनको क्या कहते हैं, लीथर फैक्टर कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वीर्य एकत्रीकरण की सबसे अच्छी विधि है, स्पंज विधि, ठीक है, वेजिनल स्पिट्रेक्शन विधि, तीसरा है मर्दन विधि, चौथा ऑप्शन है कृत्रिम योनि विधि। तो 85 नंबर का क्वेश्चन नंबर सही होगा यानी कि कृत्रिम योनि विधि का प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि केंद्रीय गर्भाधान केंद्रों पर वीर्य निम्नलिखित में किस तापमान पर भंडारित किया जाता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर वीर्य को भंडारित करके रखा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि जब विभिन्न जाति या प्रजाति के नर और मादा पशुओं में संभोग कराया जाता है तो प्रजनन पद्धति क्या कहलाती है, ठीक है, ग्रेडिंग अप कहलाती, हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है, क्रॉस ब्रीडिंग कहलाती है, आउट ब्रीडिंग कहलाती है। तो इन चारों में से बताइए क्या कहलाती है, जब विभिन्न जाति या प्रजाति के नर और मादा पशुओं को संभोग कराया जाता है तो ऐसी विधि को क्या कहते हैं, आउट ब्रीडिंग कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है, कांगयाम है, आयरशायर है, बर्गुर है या थारपारकर है, ठीक है, इसमें से बताइए कौन सी विदेशी नस्ल की गाय है। तो नाम से ही पता चल रहा है आयरशायर जो है एक प्रकार की विदेशी गाय है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि अच्छा दूध देने वाली जमुनापारी बकरी 305 दिन के ब्यांत में निम्नलिखित में से किस सीमा तक दूध दे सकती है, 250 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 500 किलोग्राम या 600 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 300 किलोग्राम तक दूध दे सकती है 305 दिन के दूध काल में, ठीक है, एक ब्यांत में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर।
क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु उपजात में आता है, टेरामाइसिन, ईस्ट, खमानिया दूध या मिल्कमिन। ठीक है, इन चारों में से बताइए, मखनिया दूध कहलाता है कि या मिल्कमिन होता है या टेरामाइसिन या ईस्ट, कौन सा पशु उपजात में आता है, 90 नंबर का बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मखनिया दूध जो होता है ये क्या कहलाता, पशु उपजात में आता है, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है एक दुधारू पशु को निम्नलिखित में से प्रतिदिन औसतन कितने जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 15 से 20 लीटर, 20 25 से 30 लीटर, 40 से 45 लीटर या 50 से 60 लीटर। तो एक दुधारू पशु को एक दिन में कितने लीटर जल की आवश्यकता होती है, तो 25 से लेकर 30 लीटर जल की आवश्यकता होती है, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है निम्नलिखित में से मूंगफली की खली में कौन सा पोषण अनुपात होता है, नैरो एनआर, मीडियम एनआर या वाइड एनआर या इनमें से कोई नहीं। तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नैरो एनआर, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि आंतरिक अंगों के आधार पर बीमारी के निदान के लिए कभी कभी मरे पशुओं को लाया जाता है, तो इसे किस प्रकार के निदान के रूप में जाना जाता है, लक्षणिक निदान, ऐतिहासिक निदान, कल्चरल निदान या स्व परीक्षण निदान। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि स्व परीक्षण निदान कहलाता है, पोस्टमार्टम, ठीक है, एग्जामिनेशन कहलाता है, डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु थनैला रोग पैदा करने वाला होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सिस, ब्रुसेला मेलिटेनिस, माइक्रोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस या क्लोट्रिस्टिडियम सेप्टिक। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थनैला रोग जो रोग पैदा करता है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सिया, ठीक है, ये वाला या एग्लेक्सिस जो होता है ये थनैला रोग उत्पन्न करता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि निम्नलिखित में से केफीर में लैक्टिक अम्ल का वांछनीय स्तर क्या होता है, ठीक है, या क्या हो सकता है, 0.5%, 1%, 2% या 2.5%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1%, बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 96 पर। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है किण्वित दूध में निम्नलिखित में सूक्ष्म जीवाणुओं में से कौन सा मोहक सुवास पैदा करने हेतु उत्तरदायी होता है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस, तीसरा है लैक्टोबेसिलस वल्गेरिकस, चौथा ऑप्शन है लिकोनो स्टॉक या साइट्रोवोरम। ठीक है, तो इन 96 नंबर क्वेश्चन का क्या सही होगा, लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, ये किण्वित दूध में सूक्ष्म जीवाणु मोहक सुवास पैदा करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97 पे। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि कुकुट आहार में निम्नलिखित में से कितना जंतु होता है, ठीक है, 5%, 10%, 12% या 15%। ठीक है, आपको बताना है कुकुट आहार जो होता है उनमें कितना जंतु होना चाहिए, सॉरी जंतु नहीं है, तंतु है, जिसको फाइबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कितना तंतु होना चाहिए, फाइबर कितना होना चाहिए, उसकी मात्रा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 5% होना चाहिए। ठीक है, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब आरंभ की गई थी, 1 अप्रैल 2001 को, 1 जुलाई 2001 को, 1 अक्टूबर 2001 को, 1 जनवरी 2002 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1 जुलाई 2001 को कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी, ए बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे।
क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितने वार्षिक आर्थिक विकास दर का प्रस्ताव किया गया था? 8%, 8.5%, 9%, 9.5%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 8%, ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, ट्रेनिंग एंड विजिट जिसको TNV प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है कब आरंभ किया गया था? 1971-72 में, 72-74 में, या 74-75 में, या 76-77 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1976 से 77 में ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि किसी पौधे की जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व तो सहायक होता है? नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फास्फोरस, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा जीरो टिलेज वर्टिसी ड्रिल, ठीक है, चने की बुआई का यंत्र है, मटर की बुआई का यंत्र है, गेहूं की बुआई का यंत्र है, या मक्के की बुआई का यंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गेहूं की बुआई का यंत्र है, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षीय फसल चक्र नहीं है? आपको बताना है कौन सी इनमें से एक वर्षीय फसल चक्र नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सोयाबीन और जौ, दूसरा मक्का गेहूँ, तीसरा धान और बरसीम, चौथा ऑप्शन है धान और मक्का, ठीक है। तो 103 का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि धान और गन्ना ये एक वर्षीय फसल चक्र नहीं है। गन्ना जानते हैं द्विवर्षीय फसल चक्र है या बहुवर्षीय कह सकते हैं, ठीक है, दो वर्षीय मैक्सिमम लिया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि गाँव का सहकारी संघ कहलाता है समाज कल्याण केंद्र, गांव की मूल संस्था, ग्राम में विकास केंद्र, या ग्राम पंचायत की बैठक का स्थान, ठीक है, ग्राम पंचायत की बैठक का स्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि तीसरा, ग्राम विकास केंद्र। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित के रूप में बोई जाती है, यानी कि गेहूं के फसल के साथ कौन सी फसल मिलाकर बो सकते हैं, जैसे कपास ऑप्शन में है, और फूलगोभी है, सरसों है, या ज्वार है। तो आप लोग जानते हैं गेहूं के साथ कौन सी क्रॉप बोई जाती है, सरसों को बोया जाता है, ठीक है, ठीक, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा बीज के विकास पर नई नीति अपनाई, ठीक है, नई नीति अपनाई और लागू की गई 1 अप्रैल 1995 को, 1 अप्रैल 1967 को, या 1 अक्टूबर 1998 को, या 1 अक्टूबर 1988 को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला, 1 अक्टूबर 1988 को नई नीति अपनाई और लागू की गई थी, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा पशु आहार की मात्रा निर्भर करती है पशु की लंबाई पर, पशु की नस्ल पर, पशु की ऊंचाई पर, पशु के भार पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का यानी कि पशु के भार पर, ठीक है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है पौधों का भार कम हो जाता है, ठीक है, पौधों का भार कम हो जाता है, पहला ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण में, दूसरा श्वसन में, तीसरा उत्सेचन में, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पौधे का भार जो कम हो जाता है उपयुक्त सभी क्रियाएं इसमें प्रभाव डालती हैं, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और उत्सेचन, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट NRC IPM कहाँ पर स्थित है, ठीक है, इसको NRC IPM कहा जाता है, दिल्ली में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, या बेंगलोर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फरीदाबाद में स्थित है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है निम्नलिखित पादप पोषकों में से कौन सा रोग और कीट पीड़कों के प्रतिरोधक बढ़ाने में उपयोगी है? कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, या पोटेशियम, ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा रोग और
पीड़कों के प्रतिरोधक बढ़ाने में उपयोगी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पोटेशियम, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सीड पोटैटो टेक्निक अपनाई जाती है किसमें, गेहूं में, धान में, आलू में, बाजरा में। तो इसका बहुत इजी क्वेश्चन है यानी कि आलू में सीड पोटैटो सीड प्लॉट टेक्निक अपनाई जाती है, ठीक है, तो ये सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है, मैदानी क्षेत्र में चुकंदर की खेती की जाती है खरीफ में, रबी में, जायद में या उपयुक्त में से सभी में। तो मैदानी क्षेत्रों में जो चुकंदर की खेती की जाती है वो कब की जाती है, रबी के सीजन में की जाती है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है, मलिका किस फसल की प्रजाति है, चना की है, मटर की है, मसूर की है या अलसी। मलिका एक तो जानते हैं किसकी किस्म होती है, एक तो मैंगो की किस्म है, ठीक है, और दूसरी हो जाएगी मसूर की किस्म है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, एक हेक्टेयर गन्ने की बुआई के लिए तीन आँख वाले टुकड़े की आवश्यकता होगी कितनी, ये आपको बताना है, 20 से 25 हज़ार, 30 से 35 हज़ार, 40 से 50 हज़ार या 60 से 75 हज़ार। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का, यानी कि 30 से 35 हज़ार टुकड़े की आवश्यकता होगी तीन आँख वाले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 30 से 35 हज़ार टुकड़े, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है, आलू की बुआई 50 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर पौध ज्यामितीय करने पर उसकी संख्या कितनी होगी, 50,000 हिल प्रति हेक्टेयर या 1,00,000 हिल प्रति हेक्टेयर या 1,25,000 हिल प्रति हेक्टेयर या 1,50,000 हिल प्रति हेक्टेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1,00,000 हिल प्रति हेक्टेयर, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि अपने देश में दलहन की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खपत है 19 ग्राम, 29 ग्राम, 49 ग्राम, 49 ग्राम या 59 ग्राम। इन चारों में से बताइए अपने देश के अंदर दलहन की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी खपत करता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 29 ग्राम, ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि अमेरिकन कपास की बीज दर क्या होती है, 15 से 25 किलोग्राम, 30 से 40 किलोग्राम, 50 से 60 किलोग्राम या 60 से 75 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी अमेरिकन कपास की बीज दर कितनी लगती है, 15 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोरो धान की बुआई का समय क्या है, अंतिम अक्टूबर के मध्य नवंबर, दूसरा है मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी, चौथा ऑप्शन है मध्य जनवरी से मध्य फरवरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उत्तर प्रदेश में बोरो धान अगर हम लगाएंगे तो उसकी बुआई का समय क्या अच्छा रहेगा, तो मध्य नवंबर से लेकर मध्य दिसंबर, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है, राई सरसों की खेती में बिना लागत वाली तकनीक को कौन सी मानी जाती है, पहला ऑप्शन है उचित समय पर बुआई कम सिंचाई के साथ, दूसरा ऑप्शन है उचित समय पर बुआई तथा बिरलीकरण, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है संतुप्त प्रजाति का चुनाव और उचित समय पर बुआई, चौथा ऑप्शन कह रहा है संतुप्त प्रजाति का चुनाव और प्रभावकारी खरपतवार प्रबंधन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि संतुप्त प्रजाति का चुनाव और उचित समय पर बुआई, यानी सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि फ्लेरिस माइनर खरपतवार को कम करने में कौन सा फसल चक्र सहायक है, धान गेहूँ, मक्का गेहूँ, धान गेहूँ आलू और अरहर गेहूँ। इन चारों में से बताइए फ्लेरिस माइनर खरपतवार को कम करने में कौन सा फसल चक्र अपनाना चाहिए, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अरहर और गेहूँ, ठीक है, ये अगर फसल चक्र अपनाएंगे तो फ्लेरिस माइनर जो खरपतवार है जिसको गेहूँ के मामा के नाम से जाना जाता है तो इसका प्रकोप कम होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि यदि उत्तरी भारत में मानसून जुलाई के अंतिम सप्ताह में विलम्ब से आता है
तो किस फसल की बुआई की जानी चाहिए, मूंगफली की, धान की, सोयाबीन की या बाजरा की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बाजरा की, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है टिक्का रोग लगता है किसमें लगता है, ये आपको बताना है, कपास में, सरसों में, मूंगफली में या गन्ने में। तो टिक्का डिजीज काफ़ी फेमस रोग है, तो ये मूंगफली में लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। ठीक है, और जितने भी पीजीटी के क्वेश्चन हैं सबको हम धीरे धीरे सॉल्व करा रहे हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एग्री कोचिंग बाय विकास सर जाएंगे, उसको खोलने के बाद एक प्लेलिस्ट बनी हुई, प्लेलिस्ट में पीजीटी और टीजीटी की एक अलग फाइल बनी हुई, उसको ओके करेंगे, ओपन करेंगे तो उसके अंदर सब टीजीटी पीजीटी की क्लासें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। 123 नंबर कह रहा उत्पादन प्रक्रिया के दीर्घकाल में कुल आय होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है चल लागत से अधिक, अचल लागत से अधिक, तीसरा है कुल लागत से अधिक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कुल लागत से अधिक, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया के दीर्घकाल में कुल आय होनी चाहिए, कुल लागत से अधिक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा म्यूरेट ऑफ पोटास कहलाता है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट या उपयुक्त सभी। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो म्यूरेट ऑफ पोटास कहलाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला, KCl को क्या कहते हैं यानी कि पोटेशियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास कहा जाता है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन यानी कि जो कि पीजीटी 2006 में जो पूछा गया था क्वेश्चन, 125वां क्वेश्चन था, वो पूछा गया था कि किस बैंक का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक ही सीमित रहता है, SBI, IFC, नाबार्ड और RBI। तो इसका करेक्ट आंसर था नाबार्ड, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का सभी क्वेश्चन यही समाप्त हुए, यानी कि 125 क्वेश्चन पीजीटी में पूछा जाता है। आज जो हम हल करा रहे थे वो पीजीटी 2006 का पेपर था। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। सभी लोगों को धन्यवाद।